फाइनली गाइस, आज से कोशिश की जाएगी कि गेम रेगुलर खेली जाए और आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाए जाए। बहुत जबरदस्त तरीके से बिजी था, जिंदगी में भसड़ फैल गई थी, जस्ट भसड़ को किसी तरह से खत्म करने की कोशिश की है, अब मार्केट में फैलाएंगे भसड़। तो स्वागत करते हैं पापा मोगम्बो सभी बालक बालिकाओं छोटे छोटे लोडे लोडियो मेरे सभी प्यारे नाना मामा भूपा चाचाओं के पालकों के साथ निब्बा प्यारे निब्बियों का भी। न्यू सीजन स्टार्ट हो चुका है और हमने सबसे पहली दिक्कत क्या करी है, लोगों की आईडी 5600 तक चली गई हैं, 5600 तक, और हमारी आईडी 4800 पे चली गई क्योंकि हमने गेम ही नहीं खेली है। कलेश ही कलेश के बीच में कहीं पे गाइस हम मजे ले रहे थे, अब जस्ट अब वापस से गेम के अंदर हम कलेश शुरू करेंगे। तो सबसे पहला अपना क्या काम होगा, सबसे पहला काम होगा अपनी आईडी को लेजेंड करना, उसके बाद की बात है जो देखी जाएंगी। साथ ही साथ क्लैन वॉर लीग भी चालू हो गई है, इसके बारे में भी अपडेट आती जाएगी कि क्लैन वाले भाई क्या उखाड़ रहे, हरवा रहे या जितवा रहे। बट फिलहाल सबसे पहले पहला काम करते हैं आईडी को लेजेंड करने का। एक सिंपल सा रूल है, जब भी आईडी को लेजेंड करना हो 30+ ट्रॉफी वाली बेसिस ढूंढना शुरू करो और उनको पे लो और तुरंत लेजेंड बन जाओगे। ठीक है गाइस, तो उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे अपनी पुरानी बद्दी आर्मी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इलेक्ट्रो ड्रैगन का मार्केट में नाम रहेगा। भाई हल्के में ले रहे हो क्या हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को, अरे जान निकाल देंगे भाई ये, देखते जाओ बस आप। ओवर किल कैसे करते हैं और कैसे बनते हैं किलिंग मशीन, ये गया सिंगल टारगेट। और ऐसे जाएगा मल्टी टारगेट, ऐसे जाएगा किंग, विन निकालेगी स्कैटर शॉट को, ऐसे जाएगी फ्रीज, और इस तरह से इस बेस का होगा अंत तुरंत और हमको मिलेंगी 31 ट्रॉफीज। और क्या चाहिए जिंदगी में, 32 मिल गई इस बार तो, 31 की जगह 32 मिल गई भाई, और एकदम चिपका चिपका सा बेस मिल रहा है गाइस, चारों तरफ से चिपका हुआ है। इस चिपके हुए बेस को चिपका देते हैं एक कोने के अंदर, इन परेशान कर रही है, पॉइजन डाल देते, एकदम बालकों वाला बेस है गाइस, छोटे बच्चे से टॉफी छीनने जैसा ये। तो आरसी की भी हमको जरूरत पड़ेगी नहीं इस बेस पे, बिल्कुल टॉफी ऑलमोस्ट छीन ली गई है, अब सिर्फ टॉफी छीन के खाने का काम बचा हुआ है। भाई लेजेंड में जब अपन वापस ही जा रहे होते हैं ना टाइटन से, तो एकदम चीर फाड़ करते हुए निकलते हैं, तबाही करते हुए निकलते हैं। जो प्लेयर होते होंगे जो आके अपने ऊपर रिप्ले देखते होंगे, वो कहते होंगे भाई इतना ज़्यादा पीटने की क्या जरूरत थी दादा, आराम से कोई नकली सी आर्मी लेके आ जाता। ना भाई ना, रिमांड ऐसा होना चाहिए कि देख के उसको मजा आए, मजा नहीं आया तो फिर आपने जिंदगी में क्या पाया, समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों बटन एक साथ दब जाने चाहिए भाई। 32 ट्रॉफीज का बेस मिला है, मोनोलिथिस के पास खड़ा है, चलो भाई मोनोलिथ से बातचीत करते हैं और इस 32 ट्रॉफीज को सबसे पहले अपने नाम करते हैं भाई। 32 ट्रॉफीज जब भी मिल जाए चुपचाप ले लो, कम नहीं होती, क्योंकि एक रेज ऑन द टाउन हॉल, टाउन हॉल मिल गया भाई, मौज आ गई, आरसी आ गई, एक और मौज आ गई, मोनोलिथ नहीं आ रहा, पर मोनोलिथ और क्वीन दोनों को एक साथ फ्रीज, क्योंकि ये दोनों ही सर्वशक्तिमान है, इनसे ज्यादा डैमेज तो सिर्फ सिंगल टारगेट ही दे सकता है, वो भी कम देता है, मोनोलिथ तो उससे भी ज्यादा देता है। स्कैटर शॉट के टेकडाउन होने की देर है बस, और 32 ट्रॉफीज अपनी जेब में पड़ने वाली है भाई, तेजी से लेजेंड लीग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, अब रुकने वाले नहीं है किसी के लिए भी।
और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपके लोगों के लिए वीडियो ला के आ सकूं मैं हर रोज। ओके ब्रो, अब आप सिर्फ इंतजार करें, हर रोज आपके लिए हम कहीं ना कहीं पे जूता जरूर बजाएंगे। टेंशन ना को लई, और मेरा कमरा भी बहुत जल्दी से तेजी से रेनोवेट हो रहा है, तो इस चीज की भी आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी जब ये पूरे तैयार हो जाएगा। दिखाऊंगा धरती ट्रॉफी वाला मोनोलिथ वाला बेस, मोनोलिथ है या लोंडे के पास। चलो भाई एक काम करता हूं, मोनोलिथ की तरफ से कर देता हूं, सबसे पहले मोनोलिथ ही उड़ाते हैं इसका। जो चीज सबसे ज्यादा दुखी दे सबसे पहले उसी को उड़ा दो तो बढ़िया रहता है ना, वरना बाद में भी दुखी करेगी ये, तो पहले इसी को उड़ा दो। रेज पे रेज चल रही है भाई, एक रेज टाउन हॉल पे भी चल रही है भाई, टाउन हॉल तो गियो भाई, क्वीन भी गियो भाई, सब कुछ तो गियो भाई, ऐसा लग रहा है अब नहीं बचेगा कुछ भाई। 32 ट्रॉफीज आएंगी मेरे करण अर्जुन आएंगे, मुझको अपने गले लगाएंगे, और इस सीजन हम ट्रॉफी जरूर पुश कर जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, 100% करेंगे इस बार। इस बार मर्दादी गला भाई, मर्दादी गला एकदम छाती चौड़ी करके क्या रहेगा ये वाला काम, रुकेंगे नहीं। लो जी 33 ट्रॉफीज वापस से मिल गई है, और जब इतनी ट्रॉफीज मिल जाती है ना तो मैं उनको चुपचाप ले लेता हूं, मैं बिल्कुल बहस नहीं करता फिर भाई ऐसे बंदों के साथ। इतने प्यारे बढ़िया धर्मात्मा लोग हैं भाई, 33 ट्रॉफीज दे रहे हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हो इनको, चुपचाप ले लो, जितना मिल जाए उतने में गुजारा कर लो मिया। लो जी ऑलमोस्ट लग रहा है कि मिल गया भाई ये, या रह गया। तो फ्रीज बची है भी मेरे पास, और एक बार हम जिसके पीछे पड़ते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है भाई, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर बात कैसे बनेगी, जो आगे की बात कैसे बनेगी, समझ रहे आप, छोड़ना नहीं, पीछे पड़े हो पड़े रहो, तभी तो ट्रॉफी मिलेंगी आपको जिंदगी के अंदर भी और गेम के अंदर भी। छोड़ना नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई। ट्रॉफीज फाइनली। ओ स्टोन स्लैमर उतर गया गलती से, ओ भाई साफ सीन हो गया, सीन हो गया गाइस, स्टोन स्लैमर उतारना ही नहीं था और गलती से उतर गया मेरे से, तो आर्मी उतार, सीन पे सीन हो रहे हैं भाई। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी भसड़ होती रहती है, और मेरे साथ तो ज्यादा ही होती है। टाउन हॉल आ जाए किसी तरह, आ जाएगा, चलो अब तो लग तो रहा है आ गया, आ गया। लो जी स्टोन स्लैमर बाय मिस्टेक हमारा उतर गया था,
बट उसके बावजूद भी हम अपने हिस्से की 31 ट्रॉफीज लेने में हो जाएंगे कामयाब 100% गारंटेड। हाय, एक बार को तो लगा मेरी 31 ट्रॉफीज का गाइस नुकसान हो गया, पर चलो हुआ नहीं। हमारे पास किंग की एबिलिटी भी बची हुई है, क्वीन की भी एबिलिटी है, आरसीबी फुल पावर में है, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन भी है। तो कई बार गलतियां हो जाए तो इतना परेशान मत हुआ करो, जैसे काम चल रहा है उसको वैसे निपटाने की कोशिश करो। फिर आज का फाइनल बेस जो हमको लेजेंड पहुंचा देगा बस थोड़े टाइम में, 31 ट्रॉफीज का एक और शानदार बेस यहां पे हमको मिल गया है। बट ये देगा या नहीं देगा गाइस, देखो दे या ना दे लेनी तो पड़ेगी, ट्रॉफीज की बात कर रहा हूं, ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी ना। वरना समझ रहे हो ना, भावनाएं तो आप मेरी तुरंत समझ जाते हो, वैसे ये तो मैंने देखा है। एकदम समझदार बच्चे हो आप, ओपी वाले। लो जी 31 ट्रॉफीज ले लेते हैं इससे चुपचाप और लेजेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं तुरंत। और अब स्टार्ट हो जाएगी हमारी क्लैन वॉर लीग भी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करने की हम कोशिश करेंगे। भाई खेल रहे हैं तो कार्रवाई करनी जरूरी है ना, और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करूंगा कि हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट ला सके। ठीक है गाइस, मुझे पता है आप लोग काफी दिनों से मिस कर रहे हो, मगर वो रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहा है, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि भाई बना पाऊं। फिलहाल आज की इस वीडियो में रहेगा इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।